इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि पीएचपी को यूज़ करने के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन सॉफ्टवेयर को आपको कैसे इंस्टॉल करना है और आपके पीसी में कैसे सेटअप करना है। जैसे कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सर्वर। दूसरा है पीएचपी इंटरप्रेटर, जो पीएचपी के कोड को सर्वर पर एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तीसरा है डेटाबेस, जो आपके डेटा को रिकॉर्ड करके रखता है। इन तीनों के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं पीएचपी MySQL का। नंबर 4 है टेक्स्ट एडिटर, उसके लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। नंबर 5 ब्राउज़र, इसके लिए हम लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है पीएचपी MySQL। आप इसे ब्राउज़र में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आपको ब्लॉग में जाना, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको एक सेटअप मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना, तो इस पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो भी हैं इन्हें टिक रहने देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप चाहें तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, और इस तरह से जैम सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें डाउनलोड करना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रन का, रन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, और इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। क्रोम ब्राउजर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर के आपको डाउनलोड करना है, पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आपके टास्क बार में यहाँ पर सर्च ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है जैम। इस पर क्लिक करके आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, इसमें से ऊपर वाले जो दो ऑप्शन है इसे आपको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट हो जाने के बाद आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पर, और यहाँ पर URL बार में आपको लिखना है लोकल होस्ट, प्रेस करना है इंटर, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका PHP लोकल होस्ट रेडी है। लिखना है लोकल होस्ट PHP MyAdmin, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेटाबेस।